एक साल से ऊपर की बात है जब रोहित वेमुला की मौत हुई थी। 17 जनवरी 2016 को वेमुला ने अपने एक मित्र के हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी थी। वेमुला के नाम पर राजनीति सिर्फ इसलिए बढ़ती गई क्योंकि उस वक्त रोहित को दलित बताया गया था। कुछ पार्टियों के नेता रोहित के घर तक पहुंच गए थे और उस वक्त केंद्र सरकार पर दलित विरोधी होने की बात भी कही गई। लेकिन अब जब सारी सच्चाई सामने आई है तो बड़ी बात ये कि रोहित दलित नहीं था। दरअसल गुंटूर के कलेक्टर की तरफ से दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला दलित नहीं था और उसका प्रमाण पत्र एक धोखाधड़ी के तहत साजिशों के ताने बाने से बनवाया गया था। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने रोहित वेमुला की मां राधिका को नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो साबित करें कि दलित है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से मामले की जांच के लिए बनाए गए पैनल ने भी कहा कि रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का नहीं था। यह पैनल रोहित सुसाइड केस की जांच के लिए बनाया गया था और इसके मुखिया इलाहाबाद कोर्ट के जज ए.के. रूपनवाल थे। बताते चलें कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने रोहित और उसके 5 दोस्तों को निलंबित करने का आदेश जारी किया था जिसके बाद रोहित की आत्महत्या की खबर आई थी। रोहित के फांसी लगाए जाने के बाद छात्रों ने वीसी के विरोध में लंबे समय तक प्रदर्शन किया था। ये तो वही बात हुई ना कि बवालों का दिया साजिशों की बत्ती से जलाई जा रही थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।